शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यह है मोनिका, तुम्हारी भाभी। यहाँ रहते हो तुम छोटे से घर में? अब आप दोनों अंदर आइए ना। भैया आप भाभी को कमरे में ले जाइए। चलो। अब तक चेंज नहीं किया तुमने, फ्रेश हो जाओ। कहाँ चेंज करो, ढंग का बाथरूम भी है तुम्हारे घर में। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कितने छोटे से घर में रहना पड़ेगा। अच्छा गुस्सा मत करो, बस कुछ दिनों की बात है, मैं प्रॉमिस करता हूँ हम जल्दी बड़े घर में शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा सुनो ना, सुनो तो सही, आज हमारी स्वागरात है, आज तुम मूड ऑफ मत करो ना। मूड तो तुमने खराब करके रखा है, अब जब बड़ा घर ले लोगे ना तब मनाएंगे सुहागरात। अभी मुझे नींद आ रही है। ओहो इतना गुस्सा, ठीक है जब मेरी वजह से मूड खराब हुआ है तो मैं ठीक करता हूँ। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूं। गोल्ड रिंग, मुझे लगा था तुम मुझे डायमंड रिंग गिफ्ट करोगे। ये तुम ही रखो। अच्छा सुनो ना, डायमंड रिंग भी गिफ्ट कर दूंगा। अब वैसे भी मुझे जो भी कुछ करना है तुम्हारे लिए तो करना है। सच्ची? हाँ मेरी जान। तो ठीक है, अपनी आंखें बंद करो। आंखें? मुझे एक सरप्राइज देना है, मैं जब तक ना कहूंगी ना तब तक खोलना नहीं आंखें, ओके? हाँ ठीक है। बंद ही रखना। अपने आगे खोल दो। मोनिका 8 बज गए, अब उठ भी जाओ। उठो ना मोनिका।
उठो ना, सुबह सुबह परेशान मत करो मुझे ना, बेटी पीने की आदत है, उसके बिना नींद नहीं खुलेगी। सोने दो यार। लाइए, मैं बना देती हूँ। मुझे पता है तू नाराज है मुझसे। नाराज नहीं हूं, बस बुरा लग रहा है कि मेरे भाई ने शादी करने से पहले मुझे बताया भी नहीं। सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हुआ कि बताने का मौका ही नहीं मिला। वक्त आने दे, तुझे सब कुछ बता दूंगा। दिव्या, मेरे लिए भी नाश्ता लगा दो। तुम भी तो अपना नाश्ता लगा सकती हो। अब भैया, जब मैं आपको नाश्ता खिला सकती हूँ तो भाभी को भी खिला सकती हूँ। आज मैं भाभी को खिलाऊंगी नाश्ता, कल वो मुझे करवाएंगी, है ना भाभी? ना बाबा ना, मुझे ना ये चूल्हा चौका से दूर ही रखना, मुझसे नहीं हो पाएगा। भाभी ये लीजिए। चलो मैं चलता हूं। क्या है, मैंने तुमसे कहा था ना मुझे फोन मत करना, मेरी शादी हो चुकी है अभी। अंदर आओ ना। हाय दिव्या, कहाँ थे तुम? हाउ आर यू? आई एम गुड। कब से कॉल कर रही थी? सॉरी यार, बिजी था। ऐसे में कहाँ? दिव्या कौन है ये? मुझसे नहीं मिलवाओगी? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। अभय मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हम दोनों क्लासमेट हैं, और अभय ये मेरी भाभी है। हाय मोनिका। हाय अभय।
दिव्या, तुम्हारा दोस्त आया है, कुछ चाय पानी नहीं पूछोगी? जी अभी लेकर आई, तब तक आप दोनों बात करो। तो क्या करते हो तुम? जी अभी पढ़ाई कर रहा हूँ और MBA खत्म होने के बाद पापा के साथ बिजनेस में लग जाऊंगा। कैसा बिजनेस है तुम्हारा? जी वो रियल एस्टेट का। तो तुम्हारे पास बहुत पैसे होंगे। ठीक है दिव्या, मैं निकलता हूँ अब। इतने जल्दी? थोड़ी देर रुक जाओ ना। जरूरी काम याद आ गया, फिर मिलता हूँ मैं। बाय बाय बाय। दिव्या, दोस्त तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है। क्यों आया है? मैंने कहा था ना मेरी शादी हो गई है, प्लीज यहाँ से चले जाओ। अगर मेरे पति आ गए ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम में तो मैं आ गया हूँ जब से तेरी शादी हुई है। शायद तू भूल गई, लेकिन मैं नहीं भूला कि तू एक। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? तेरी हिम्मत कैसे मेरे घर में आने की? हाँ ये मेरी बीवी है। हाँ मालूम है कि तेरी बीवी है अब ये, पर तू ये भूल रहा है कि मैं पहले इसका बस। इसके आगे एक शब्द बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इससे पहले कि तू ये धक्के मार के बाहर निकाल दूं, निकल जा यहां से। क्या निकालेगा मुझे धक्का देकर? निकलना तो तेरा मुश्किल हो जाएगा जब सबको पता चलेगा इसके बारे में। खबरदार अपना मुंह खोला तो चल निकल यहां से, चल निकल यहां से, निकल। सपने क्यों आ रहे हैं? ये क्या हो गया है मुझे? इतने परेशान क्यों? सोच रहा था कि अगर वो दोबारा आ गया तो उसने किसी से कुछ कह दिया तो, और अगर दिव्या को पता चल गया तो वो क्या सोचेगी, दुनिया क्या सोचेगी? जिसे जो सोचना है ना सोचने दो, हमने पाप थोड़ी ना किया है। हम दुनिया के डर से ऐसे घुट घुट के तो नहीं जी सकते ना। मुझे अपनी नहीं तुम्हारी चिंता है। तुम उससे प्यार करते हो ना, मुझ पे ट्रस्ट करते हो? ये भी कोई पूछने वाली बात है? तो फिर मुझे किसी भी चीज की चिंता नहीं है। सुनो ना, मैं सोच रही थी कि पार्लर ज्वाइन कर लूं, घर बैठे बैठे बोर हो गई हूँ। पर बाहर लोग क्या कहेंगे? तुम इतना मत सोचो, मैं सब संभाल लूंगी, प्लीज। Thank you.
दिवा सुनो ना, मेरे लिए चाय बना दो। भाभी आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, तो चाय आप ही बना दीजिए। सॉरी। टाइम पर आ गए, अब कॉलेज के लिए लेट नहीं होगा मैं। चलो यहाँ से। अब हाय भाभी। सच बोल रहा हूँ यार, तो अगर मोनिका भाभी को देखेगा ना तो देखता ही रह जाएगा। ऐसा क्या है उसमें? देख, जो बोलकर तो नहीं बता सकता मैं, तू खुद देखे खुद समझ जाएगा। कुछ तो बात है यार उसमें, और ऐसा पहली बार हुआ है कोई लड़की मेरे सपने में आई हो। ऐसा कुछ नहीं है, मैं ना तुझे ऐसी खूबसूरत लड़की से मिलवा सकता हूँ जिसे देखने के बाद तू मोनिका भाभी को भी भूल जाएगा। नहीं यार, मैं ये नहीं मानता। तो फिर लगी शर्त, मैं आज ही तुझे रूबी से मिलवाता हूँ। देखिए यार, मुझे ये सब नहीं करना। बस हो गया, डरपोक कहीं का। तू ना बस सपने देख सकता है, किसी लड़की के पास जाना तेरे बस की बात नहीं। ठीक है, मिलवा तेरी रूबी से, मैं भी देखता हूँ कितनी खूबसूरत है तेरी रूबी। ये हुई ना बात। चल। अब आए हो, रूबी तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। किसी को कुछ मत बताना प्लीज भाभी, प्लीज। ठीक है, नहीं बताऊंगी, पर इसकी कीमत लगेगी। हाँ, कुछ जितने पैसे चाहिए ना मैं दूंगा आपको। ठीक है, अभी तुम्हारे वॉलेट में जितने पैसे है उतने दे दो, आगे अगर पैसों की जरूरत होगी तो मैं मांग लूंगी। क्या हुआ दिव्या, तू इतनी परेशान क्यों है? और ये बार बार किसे कॉल कर रही है? भैया अभय से ना कुछ दिनों से बात नहीं हो रही, और वो दो तीन दिन से कॉलेज भी नहीं आ रहा, और हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं। कोई बात नहीं, तू इतनी परेशान मत हो, मैं देखता हूँ, तू आराम से खाना खा। ला
मोनिका, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, निकल रहा हूँ। यहाँ तक कि मेरी छोटी बहन, जिसे मैं इतना प्यार करता हूँ, उससे भी तुम्हारी सच्चाई छुपाई। बदले में तुम्हें मुझे क्या दिया? धोखा, इतना बड़ा धोखा। पता नहीं ये सब तुम कब से करती आ रही हो। मैं तुम्हारी फोन में फोटो नहीं देखता तो मुझे तो पता ही नहीं चलता। मैंने वो कलरफुल बैंड और हाथ में घड़ी देख के ही समझ गया था कि वो पंकज है। इसके बाद मैंने तुम्हारा पीछा किया। तुमने तो मुझे बोला था ना कि शादी के बाद सब कुछ छोड़ दूंगी, फिर ये सब क्यों? तो मैं क्या करती? मुझे लगा था तुमसे शादी करने के बाद तुम मुझे रानी की तरह रखोगे, मेरे सारे शौक पूरे करोगे, मेरी हर जरूरत पूरी करोगे, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम इतने कंगाल निकलोगे। ठीक नहीं क्या तुमने ये? अब मेरे लिए तुम्हारे दिल में कोई जगह नहीं है और मेरे घर में भी। मैं आज ही डिवोर्स पेपर रेडी कराता हूं। राजीव, राजीव प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो, राजीव प्लीज सुनो, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे एक मौका दे दो। दूर रहो मुझसे, दोबारा छूना नहीं मुझे। भैया भैया आप क्यों चिल्ला रहे हो भाभी पर इतना? मैं जानती हूँ तुम ठीक कह रहे हो, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। लालच के चक्कर में मैं अंधी हो गई थी। प्लीज प्लीज मुझे कुछ दिनों का वक्त दे दो, मैं खुद ही तुम्हारी जिंदगी से निकल जाऊंगी, वादा करती हूँ प्लीज। रहने दीजिए भैया, गिरे हुए को और क्या गिराना, मत निकालिए ने। और आप जल्द से जल्द अपना बंदोबस्त कीजिए और चली जाइए यहां से, क्योंकि कुछ टाइम के बाद मैं भी भैया को रोक नहीं पाऊंगी, समझी? अबे अबे कहाँ हो तुम इतने दिनों से? मैंने कितना कॉल किया है तुम्हें? हाँ दिव्या, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तुम मुझसे होटल सितारा रूम नंबर 402 में मिलो, मैं तुम्हारा वहीं वेट कर रहा हूँ। ठीक है। Thank you.
यहाँ क्या कर रही हो और मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? और अभय कहाँ है? तो सबक सिखाने के लिए अभय को ब्लैकमेल करके तुम्हें यहाँ बुलाया है। तुम्हारे भाई ने मुझे बहुत रुलाया ना, अब मैं उसे बर्बाद करके रहूंगी। लेकिन अभय तुम्हारी बात क्यों मानेगा? हाँ क्या किया तुमने उसके साथ? नहीं मार पाओगे और कभी कोशिश भी मत करना, वरना पता है ना मैं तुम्हारी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। और हाँ, इसकी एक कॉपी ना पंकज के पास भी है, अगर मुझे कुछ हुआ ना तो वो ये वीडियो वायरल कर देगा। तुम्हें क्या लगा था तुम इतने जल्दी मुझसे पीछा छुड़ा लोगे? हाँ, मैं तुम्हारी जिंदगी में आई तो थी अपनी मर्जी से और जाऊंगी भी अपनी ही मर्जी से। और हाँ, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मुझे निकाल सको। उस दिन कितना रोई थी ना मैं, कितना गिड़गिड़ाई थी। अब तुम जिंदगी भर रहोगे और जिंदगी भर मेरे साथ रहोगे। अभी तक तो तुम मेरे पति देव थे, अब मैं तुम्हें अपना गुलाम बना के रखूंगी। क्या गुलाम? मुझे सब कुछ पता है बेटा, हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। तुम्हारे भाई है ना, सब कुछ संभाल लेगा। एकदम चुप, फिर रो मत, तुम जल्दी तैयार हो जाओ, हम तो ना आज ही काम के लिए निकल रहे। हेलो, मुझे तुमसे मिलना है। मिल सकते हो, पर कीमत सही लगानी होगी। पैसे की चिंता मत करो, मुंह मांगा दूंगा। तो ठीक है, आज के लिए रूबी तुम्हारी, एड्रेस भिजवाती हूँ। Thank you.
ये मास्क हटा के अपना चेहरा तो दिखाओ। मैं भी तो देखूं इस चेहरे के पीछे कौन है। तुम्हें चेहरे से मतलब है इस बैग में रखे पैसों से? वैसे मेरा अंदाज थोड़ा अलग है। अंदाज वाला तो पहली बार देखा है। आज के दिन मैं पूरी तरह तुम्हारी। मिश्रा जी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दीजिए। और हाँ, इसके घर वालों को इन्फॉर्म कर दीजिए फास्ट। तुम्हारे होटल में मर्डर हो गया और तुम्हें पता भी नहीं चला। सर, आज से पहले हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसी घटना पहली बार हुई है कि पुलिस आई और वो भी सीधे मर्डर केस। वाह, वैसे ये रूम किसके नाम पे बुक था? कोई पंकज नाम का आदमी है। बुलाओ उस पंकज को। कहाँ गायब थे इतने दिनों से? जी मैं अपने गांव गया था। वैसे क्या बात है? मोनिका मर्डर केस में तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या हुआ मोनिका को? मेरा मतलब है क्या ये सब कैसे? और आप मुझे अरेस्ट करने की बात कर रहे हैं? भला मैं अपनी बीवी को क्यों मारूंगा? मैं तो यहाँ था भी नहीं। देखो झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। हमारे पास तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत हैं। कृष्णा अरे सिम, अरे सर मेरी बात तो सुन सर। कुछ नहीं सर, मेरी बात तो सुनिए सर। सर उसने मेरा जीना आराम कर दिया था। उसने मेरी बहन के साथ, मैं समझ सकता हूँ उसने तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन तुम्हें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था। सजा तो तुम्हें मिलेगी।